हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गैंगस्टर्स ऑफ फूड पेज। और यहाँ पर कुछ नया बन रहा है और अगली आवाज मेरी मॉम की होगी और मैं पूछने वाला हूँ मेरी मॉम से कि यहाँ पे आप ये क्या प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे बताइए, क्योंकि गाइज ये काफी डिफरेंट चीज होने वाली है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके हाईलाइट्स की, यहाँ पर जो आपके ब्रेड्स होती है जो बच जाती है उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं वो आज यहाँ पे आपको चीजें पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बताइए क्या बनने वाला है आज यहाँ पे। ये जो बची हुई ब्रेड है उसका हम ब्रेड पकोड़ा जैसे होता है वो हम बनाएंगे इसको। ब्रेड क्रम्स पकोड़ा मींस लाइक इसको पहले ग्राइंड कर लिया बची हुई ब्रेड को। ब्रेड थी उसको हमने ग्राइंड कर लिया। ओके, उसमें हमने जितना हमें ब्रेड क्रम चाहिए उतना हम यूज करेंगे। उसमें हम आलू डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप इजीली समझ पाए, इसको देखते रहिए प्रॉपर वे में। आलू को बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद में मैश करके और इसमें आलू ब्रेड क्रम में डाल दीजिए। यानी कि आपको अपनी जो बची हुई ब्रेड है उनको भी ग्राइंड करके यहाँ पे एकदम चूरा चूरा बना लेना है। बिल्कुल, ये कुछ डिफरेंट बनने वाला गाइस। इसका एक डोट बनेगा जिसमें हम डालेंगे प्याज। ओके, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब फ्रेश फ्रेश हरा धनिया डालना है भाई साहब आपको, और इसमें एक चम्मच चाट मसाला। एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच या डेढ़ चम्मच आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर इसमें एक चम्मच सूजी, एक चम्मच सूजी और दो चम्मच चावल का आटा। दो चम्मच चावल का आटा गाइस, तो आप अब इसे मिक्स कर लेना है। तो उसके डो बनाएंगे हम, डो बना के फिर हम इसको तेल में धीमे धीमे आंच में तलेंगे और फिर ये आपको पनीर का पकौड़ा जैसा टेस्ट करेगा। तो गाइस आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, पहले इसको मैश कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। तो गाइस आटे की तरह गूंद लेना है आपको, सारे आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसको प्रॉपर वे में डालने के बाद इसको अच्छे से गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटे को गूंदते हैं उसी तरीके से इसको गूंदना है। और आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा हल्का सा प्लेट में तेल लगाएंगे जिससे कि ये डो जो हम इसमें चिपकाएंगे तो ये नीचे चिपकेगा नहीं, और आराम से जब हम इसके पीस काटेंगे आराम से निकल जाएगा। तो नोट कीजिएगा कि आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना है प्लेट के ऊपर ताकि ये जो आपका डो तैयार हुआ है वो यहाँ पे स्टिक ना हो और इजीली यहाँ से निकल पाए। जिस भी शेप में आप इसको बनाना चाहते हैं वैसे आपका यहाँ से ये कट होके निकल जाएगा। अब आगे का प्रोसेस आप देखते जाइएगा गाइस, बहुत ही डिफरेंट चीज बनने वाली है। आई गेस काफी लोग इसके बारे में 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि ये जम जाए और फिर हमको काटने में सुविधा रहेगी। तो गाइस ये सब चीजें हो जाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना होगा। इस तरीके से हमें सेट करना रहेगा, सेट करके ही हमें इसको फ्रिज में रखना है। तो गाइस अब यहाँ पर इसको फ्रिज में रख रहे हैं और अब 10 से 15 मिनट के बाद इसे वापस से निकाल देंगे। टाइम इज ओवर नाउ और अब इसे निकाल लेते हैं और अब यहाँ पर ये निकाल के अब ले जाने वाली है अंदर। अब यहाँ पे इसे रख देते हैं अगेन, यहाँ पे रख दूँ ये, इसको यहाँ रख दिया है और ये आई के थोड़ा टाइट लग रहा है। हाँ, तो ठंडा भी हो गया है और टाइट भी हो गया है काफी। बीच में से काट के इसके पीसेस करेंगे। ओके, एक एक डालेंगे पीसेस करने लाइक बड़े बड़े इसके लंबे लंबे पीसेस। हाँ। लाइक ये तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि गार्लिक ब्रेड बनने वाली है। गार्लिक ब्रेड की जैसे ही बनेगा ये लाइक आप लंबे भी रख सकते हैं छोटे भी पीस रख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए छोटे, बड़ों के लिए हम बड़े रख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे अलग अलग करके गाइस पीसेस निकाल सकते हैं। जो हलवा बनाते हैं ना जब अपन ऐसे पीसेस करते हैं वैसे लग रहा है ये बिल्कुल। देखिए आप इस तरीके से पीसेस निकाल सकते हैं और अगेन यहाँ से ये निकाल लेते हैं। कोई टूट जाता है तो आप उसको क्ले की तरह छोड़ लीजिए, सेट कर सकते हैं आप इसे। और गाइस यहाँ पर हम थोड़े पीसेस निकाल लेते हैं, उसके आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं फिर आपको।
सो गाइस यहाँ पे तेल में अब इसको आपको इस तरीके से देखिए आप, यस कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है आज, तो मजा आने वाला है आपको भी, हमको भी और सबको भी। अच्छे से आपको तलना है इसके अंदर, जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना क्रंची बनेगा, जितना अच्छा क्रंची बनेगा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा आपको। सो गाइस ध्यान रखना है कि ये नॉन स्टिकी हो, तो गाइस इस तरीके से ये फ्राई हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लबाबदार लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही है, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। आपको बोलिए कोई डिफरेंट सी चीज़ बनाइए आज, ये हम इसे नाम दे सकते हैं ब्रेड क्रम्स पकौड़ा। सो गाइस ये यहाँ पे रेडी हो गए हमारे ब्रेड क्रम्स पकौड़े और यहाँ पे ये रेडी है खाने के लिए भी, और आई होप आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा।